वेलकम फ्रेंड्स ऑन नॉलेज टेक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोदावरी रिवर। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का मैदानी भाग बहुत बड़ा है। गोदावरी की उप नदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नदी की गहराई, दोस्तों, इस गोदावरी नदी में औसत गहराई 17 फीट है और अधिकतम गहराई 62 फीट है। दोस्तों, नदी की कुछ मुख्य धाराएं, गोदावरी की 7 मुख्य धाराएं मानी जाती हैं। गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाजी। दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामांकन तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। वनस्पति और जीव, गोदावरी में भी लुप्त प्रजाति फ्रिंज लीफ, बायोलॉजिकल नाम लाबेयो फिम्ब्रिटस का एक घर था जो कि विलुप्त हो चुकी है। गोदावरी डेल्टा में स्थित कोरंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट देश में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट रहा है। वे विभिन्न प्रकार की मछली और क्रस्टेशियंस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। नदी के बेसिन में स्थित कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यांतरण में हैं। कुछ वन्य अभ्यांतरण का नाम बताता हूँ। पापी कोंडा वन्य जीव अभ्यांतरण, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ईटानगर वन्य जीव अभ्यांतरण, कावल वन्य जीव अभ्यांतरण इत्यादि। दोस्तों, हर साल होने वाली भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते आसपास के इलाके जैसे नासिक बाढ़ से डूब जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।